नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी में। मैं अतुल तिवारी आपको लेकर आया हूँ जनपद सीतापुर में। गाली देने को मना करने पर पड़ोसी ने महिला एवं बचाव में आए उसके पति तथा देवर को पीटा। दरअसल पूरा मामला कोतवाली सिदौली के बेबीपुर गांव का है, जहां मीना पत्नी जिया लाल ने तहरीर में बताया है कि 15 दिसंबर को उसके घर में मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी रात में 11 बजे के करीब पड़ोसी विपक्षी रामचंद्र पुत्र नानू एवं उसके दो रिश्तेदार रामधार उर्फ दरोगा पुत्र करीले निवासी गनीपुर गुलशन एवं अनमोल पुत्र गढ़ बड़कन ने निवासी देवीपुर शराब के नशे में वहां पहुंच गए एवं अभद्रता के साथ गंदी गंदी गाली देने लगे। जब महिला ने गाली देने के लिए मना किया तो तीनों ने मिलकर महिला को जमकर पीटा। जब इसकी सूचना उसके पति जियालाल एवं उसके देवर सुरेंद्र को हुई तो वह मौके पर पहुंचे, परंतु उन लोगों ने भी उन पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रात में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भर्ती कराया गया, जिन्होंने आज गुरुवार को पीड़ित द्वारा कोतवाली सिधौली में तहरीर दी है एवं न्याय की मांग की जा रही है। सीतापुर से अतुल तिवारी के साथ आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। तुम गाली भग रहे रहे झगड़ा हो लगे हम पहुंचे तो लाठी मारे गए। को मारे किसने मारा? रामचंद्र उनके रिश्तेदार। रामचंद्र और रिश्तेदार उनके हैं। उनके नाम पता है रिश्तेदार? उनके नाम गुलशन और एक का नाम अनमोल और उनका गनीपुर वाले का नाम अच्छा। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? एक देवीपुर में रहते हैं तीन लोग और एक लोग गनीपुर। आपकी मतलब मारिन आपके हैं कहाँ पर हैं? मारिन है बीबीपुर। बीबीपुर कोतवाली? कोतवाली से दौड़ आपको किस चीज को लेके मारपीट हुआ? गाली गलौज से मारपीट हुआ। कोई कारण रहा मारने पीटने का? इसे पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था? पहले से कोई रंजी रखे हुए तो मारे कोई की का मारिन मारे हम कमारे हम भी पत्नी है मीना देवेंद्र भाई तीन लोग जो थाने में यहाँ तहरीर दी हो। हाँ थाने में वहाँ का कहीं कहीं ठीक है। मेडिकल हो चुका? हाँ मेडिकल हुआ है तहरीर अस्पताल में। आपका क्या नाम है? जी अलग। आप कहाँ रह रहे हो? जी